स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इंट्रोड्यूसिंग कंटिन्यूड रेशियोज के ऊपर हमने बनाया कंटिन्यूड रेशियोज क्या होती हैं सबसे पहले रेशियोज का आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज का आपस में जो कि सेम यूनिट्स में होती हैं ठीक है अब कंटिन्यूड uh, रेशियो क्या होती है कि अगर आप दो रेशियोज में कंपेरिजन करें और उसमें uh, मैं, मैं, मैं ऐसे बात करूँ कि जैसे टू इज टू थ्री मतलब टू और थ्री की जो रेशियो है ठीक है वो एज इट इज है जैसे कि थ्री इज टू थ्री इज टू आ, यहाँ पर हम कौन सा नंबर लिखे जो कि मतलब इसके इसके बराबर आ जाए मतलब एक्स लिख देते हैं ठीक है अब इन दो क्वांटिटीज मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ये यह सेम है दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है ठीक है तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूट रेशियो और अगर इसमें एक्स ढूंढना हो तो वो हम प्रोडक्ट और मीन और एक्सट्रीम से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि थ्री थ्री नाइन और ये टू एक्स तो टू तो एक्स नाइन के इक्वल आ जाएगा और एक्स आ जाएगा नाइन बाय टू इसका मतलब एक्स ही अगर मैं नाइन बाय टू लिखूं नाइन बाई टू लिखूं तो ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी और वो नंबर हमारा क्या है नाइन ओवर टू यानी फोर पॉइंट फाइव है मतलब तो दो तीन से इतना छोटा जैसे तीन चार इशारिया पांच से छोटा है ठीक है ये बात समझ आ गई आपको अब देखें ये तो हो गया कंटिन्यू अब इसका यूज कहाँ पर होता है इसका यूज होता है हमारी आम लाइफ में जहां पर कि हमें चीजों को डिवाइड करना हो जैसे कि ये एक सौ पिचास रुपए है अभी चार बंदों में छह में या दस में तकसीम करने हैं लेकिन रेशियो बताई गई है कि ऐसे नहीं कि सबको इक्वली डिवाइड कर दे एक होता है इक्वली आप डिवाइड कर दे सबको एक मतलब बराबर हिस्से एक एक करके सबको मतलब एक चीज के दस हिस्से की और सबको एक एक बांट दी एक होता है कि आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखते हुए बांट रहे होते हैं जैसे कि एक बंदे को जी दूसरे के मुकाबले में दो हिस्से मिलने चाहिए और उसको तीन मतलब टू थ्री की रेशियो फिर एक में वन और टू की और फिर थ्री और टू अब मसला यहाँ पर आता है कि अगर ए का शेयर बी से मतलब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ नहीं बता सकते एग्जैक्ट इसको कितने या किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम शेयर मिल रहा है ठीक है तो अब इसमें हम क्या करेंगे हम इसमें कंपेरिजन करने के लिए सबसे पहले जो ए पर्सन है बी पर्सन है मतलब तीन परस, जो तीन पर्सन है इनके जो रेशियो है इनको जरा पहले देखते हैं कि कहां पर आकर ये बराबर बनते हैं जैसे देखें टू टू इज थ्री मतलब अगर ए को टू मिलेंगे तो बी को थ्री रुपीज मिल रही है अगर पो के हवाले से अगर बात करूं और अगर बी को वन मिल रहा है तो सी को क्या मिलेगा जी सी को टू रुपीज मिलेंगे ठीक है अब यहाँ पर जो बी पर्सन है ना वो उसका रोल ऐसा है कि वो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है वो कंटिन्यूटी लेके आना चाह रहा है तो इसकी कंटिन्यूटी इस तरह से बरकार होगी बरकरार होगी कि मैं यहाँ पर इनका एल्सीय लेकर जो नंबर एल्सीयम में आता है उसी से मैं एस टू बी रेशो और बीस टू सी रेशियो को बराबर बना दूं ठीक है मतलब इनको बराबर बनाना है मैंने ठीक है असल मैंने बराबर एल्सीयम बनता है थ्री वन और थ्री का एल्सियम अब ये तो ऑलरेडी थ्री लिखा है इसका मतलब कि जो बी और सी की रेशियो है बीस टू सी जो रेशो है इसको अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी जो रेशियो बन जाएगी ये बन जाएगी थ्री टू सिक्स जो कि अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो इसका मतलब कि ए बी और सी में जो कंटिन्यूड रेशो बनेगी कंपैरिजन के लिए वो ये बन जाएगी चले मैं यहाँ से इसको रेस करता हूँ ठीक है यहाँ पर हमें स्पेस अवेलेबल है स्पेस तो अवेलेबल हो ठीक है ए की रेशो टू बी की थ्री अब देखिए थ्री दो दफा आ रहा है ना यहाँ पर थ्री इज टू सिक्स है तो अमे इस थ्री को मतलब ये हमारे कंपैरिजन में काम आ गया मतलब कि अगर ए को दो रुपए मिलेंगे तो बी को तीन रुपए मिलेंगे और अगर तीन बी को तीन रुपए मिल रहे हैं तो सी को छः रुपए तो अब आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं रेशो का मतलब यही होता है कंपैरिजन और अब हम इन्हें तीन क्वांटिटीज में कंपैरिजन कर सकते हैं ये कंटिन्यूड रेशो की क्वालिटी होती है ठीक है अब चौथी क्वांटिटी भी आ गई है चौथी क्वांटिटी क्या है जी कि सीज टू डी शेयर जो थ्री इज टू टू है ठीक है अब सी एज़ टू डी भी लिख लेते हैं जो कितना है जी थ्री इज टू थ्री इज टू टू है ठीक है अब देखें यहां पर थ्री और टू का अगर हम इनका एल्सियम ठीक तो टे, है, तो है।, थ्री थ्री तो है, है इसका मतलब कि मैं अगर इस रेशियो को जो कि सी टू डी है अगर मैं इसको मजीद टू से मल्टीप्लाई कर दू तो ये सिक्स इज टू फोर बन जाएगी रेशियो जो कि Uh, हमारे पास इक्वलेंट रेशियो है इसके थ्री टू टू के इक्वलेंट रेशियो लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी अब जो सी और डी की रेशियो है उसको थ्री टू की रेशियो के बजाय अगर हम लिख दें सिक्स इस टू फोर थो बात तो वही कर रहे हैं हम ठीक है हमने रेशियोस के रूल्स में पढ़ा हुआ है कि आप रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो उससे रेशियो में फर्क नहीं रहता पड़ता ठीक है अब सिक्स टू फोर इसका मतलब है इनकी कंटिन्यू रेशो कह सकते हैं अगर ए को दो मिलेंगे तो बी को तीन रुपए और अगर बी को तीन मिले तो सी को छ और अगर सी को छ मिलेंगे तो डी को चार मिलेंगे ठीक है एक तो पहली बात के जो उसका, जो concept है उसके हवाले से हमने इसको समझा यहाँ पर इस प्रॉब्लम में ठीक है अब चारों क्वान्टिटीज में ये तो हमें पता चला कि ये इस रेशियो से हमने इनको तकसीम करना है कितने रुपयों को जी एक सौ पिचास रुपयों को अब एक सौ पिचास रुपए जो है यहाँ पर मैं एक 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 पीस बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है فرض करें ये एक एक हमारे पास स्टिक है ठीक है या एक प्लेट है या एक चलें एक रेक्टेंगल समझ लें इसे अब क्या कि इसके पहले कितने हिस्से करने बात तो ये आती है ठीक है उनमें से जितने हिस्से होंगे उनमें से दो हिस्से मिलेंगे ए A को तीन हिस्से मिलेंगे बी को छह हिस्से मिलेंगे सी को और डी को मिलेंगे चार उसके हिस्से लेकिन कितने पीसीज करने हैं अब ये क्वेश्चन है तो इसके लिए हम क्या करते हैं सम ऑफ रेशो ले लेते हैं ठीक है सम ऑफ रेशो क्योंकि आपने ये सारी क्वांटिटी इत, इतनी इतने उसके जो पोर्शन है सारों में तकसीम करने है, तो सम ऑफ रेशो देख लेते हैं कितनी बनती है तो सम ऑफ रेशो बनी है चार और छः दस, दस, दस और तीन तेरह और दो पंद्रह पंद्रह इसका मतलब इसके पंद्रह इक्वल पार्ट्स करने हैं इस अमाउंट के इस ये जो पीस आपको नजर आ रहा है इसके पंद्रह अगर इक्वल पार्ट किए जाएं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फर्ज करें कि ये ऑब्जेक्ट इतनी थी ठीक है मैं आपको एक आइडिया ही यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन और समझ लें कि ये इक्वल इक्वल पार्ट हैं ठीक है अब इनमें से फर्ज uh, कर लें कि ये जो ये जो पार्ट है जिसको मैंने शेयर किया ये ए का शेयर है ठीक है ये वाला पार्ट किसका शेयर है ये ए का है ठीक है ये दो पोर्शन थे मैंने ऐसे दो ब्लॉक्स को शेयर मतलब दो ब्लॉक्स को वाइट ऑरेंज कलर, कलर कर दिया है तीन ब्लॉक्स को मैंने वाइट कलर किया है ये किसका शेयर है ये है बी का शेयर ठीक है बी का शेयर है और आ, चलें रेड कलर में ये जो है ये ब्लू कलर करते हैं ये जो 6 1 2 3 4 5 6 ये जो है पोर्शन ये किसको मिलेगा जी ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पीस जो है ये मिल जाएगा जी इतना जो पार्ट है ये मिलेगा सी को ठीक है देखें यहाँ से हम कंपैरिजन भी देख रहे हैं कलर से कंपैरिजन कर रहे हैं कि ज्यादा पोर्शन कौन हासिल कर रहा है पर्सन जारी बात है इसने ज्यादा शेयर भी किए होंगे तभी जो भी अमाउंट है उसमें इसको ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है और ये जो पोर्शन है जो पर्पल कलर में मैंने किया है शेयर ये मिलेगा डी को देखें पूरी अमाउंट एक तो डिवाइड भी होगी कोई चीज़ नहीं बची ठीक है पूरे अमाउंट को तकसीम कर दिया है तो इस तरीके से अब हम ए का जब शेयर निकालेंगे तो हम लिखेंगे एज जो भी पर्सन है एज शेयर ठीक है तो अब हमने पहले जो हमारी अमाउंट थी 150 फिफ्टी थी ठीक है, रुपीज वन फिफ्टी थी इसके कितने हिस्से किए थे जी इसके पंद्रह हिस्से किए थे तो एक हिस्सा कितने रुपयों का बना दस मतलब समझो दस रुपए के नोट है दस का एक नोट है ठीक है और एक वो कितने वो नोट मिलने हैं दो ठीक है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपए बन जाएंगे ये ये बन जाएंगे बीस रुपए ठीक है ये बात समझ में आई है आपको इसी तरीके से अब जो बीस शेयर है बीस शेयर ठीक है रुपीज टेन जो कि एक पार्ट है एक सौ पचास का पंद्रवा पार्ट है ठीक है इसके मतलब दस रुपयों के कितने नोट देने से तीन ठीक है तो ये बन गए रुपीज थर्टी शेयर ये कितने रुपीज टेन है और इसको कितने इसके नोट देने हमने इसके हमने देने जी इसे छः नोट तो बन जाएंगे कितने रुपीस सिक्सटी और जो डीज शेयर है डीज शेयर ये कितना है? रुपीस टेन को इसके कितने कितने नोट देने हैं चार तो ये बन जाएंगे कितने उस बंदे के पास चालीस रुपए ठीक है, है तो देखें अगर टोटल भी करें तो ये अमाउंट में भी 150 बनता है ठीक है अमाउंट में भी 150 पूरे बन जाते हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि कंटिन्यूड रेशियो जो थी हमारे पास उसको हमने इस्तेमाल करते हुए शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है अब आप, आप कोई भी प्रॉब्लम उठा सकते हैं ठीक है डेली लाइफ का जिसमें कि अगर आपने डिवीजन करनी है अमाउंट की अन रेशियोज में जिसमें एक कंपेरिजन बताया जाएगा ए और बी में कितनी रेशियोज सी और डी में सीधा जितने बन तो आपने उसका तरीका समझा कि कैसे हमने पहले एल की मदद से एक जैसे उनमें कंटिन्यूटी लाते हैं और फिर उस अमाउंट को या उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर कर उसके अमाउंट को या उनके जो शेयर्स हैं उनकी अमाउंट को हम निकाल लेते हैं